राहें कठिन तो हैं मगर मगर। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करते हैं उन विशेष हस्तियों से जो अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए देश और समाज के लिए विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल हो सके और जो आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। साथियों, इस कड़ी में आज हमारे मेहमान हैं श्री निपुण मल्होत्रा। इन्होंने अपनी एक संस्था स्थापित की जो आज देश की एक प्रतिनिधि संस्था है। ये संस्था दिव्यांग लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक युवक और बेपंख उड़ान। प्यारे श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज वापस हम निपुण मल्होत्रा जी के साथ बातें करेंगे। निपुण, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। निपुण, आपने अपनी स्कूल लाइफ के इंसिडेंट्स के बारे में हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर की, फिर आप कॉलेज लाइफ में दाखिल हुए, तो क्या आप उस वक्त के जो अपने एक्सपीरियंसेस थे वो भी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। सो मैंने क्लास 12वीं में कंट्री टॉप की थी बिजनेस स्टडीज में, 98 मार्क्स आए थे और मेरी ओवरऑल 92% थी। वेरी गुड। मैं स्कूल का टॉपर था और मैंने काफ़ी मेहनत भी की थी और मेहनत का मुझे फल मिला था, अखबारों के फ्रंट पेजेस में मेरी कहानी आई थी एक्सेट्रा। बट मैं ये दुख की बात थी तो कि उस समय पर जो इतने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज थे वो मेरे को एडमिशन तो दिलवा देते क्योंकि मेरी परसेंटेज बहुत थी, पर वो बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं थे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था कि एक विकलांग इंसान अंदर पढ़ पाए और अच्छे से मतलब यू नो पढ़ाई कर पाए और क्लास भी अटेंड कर पाए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज है उसमें BBA में अपनी एडमिशन ले लूँ। क्योंकि अगर मैं क्लास ही नहीं अटेंड कर सकता तो मैंने सोचा मैं क्या फ़ायदा एक गवर्नमेंट कॉलेज जाके। पर करीब 1-1.5 साल के अंदर मुझे लगा कि मैं एक कागज़ के टुकड़े के लिए नहीं पढ़ना चाहता, और अगर मैं डिसेबल हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी हक है कि मैं बेस्ट इंडिया के बेस्ट कॉलेज में पढ़ूँ। और तब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में वापस अप्लाई किया। और मुझे अभी भी याद है जब मैं कॉलेज की इंटरव्यू के लिए गया तब मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला कि हमें आपकी एप्लीकेशन तो बहुत अच्छी लगी है पर जो इकोनॉमिक्स का क्लासरूम है वो 125 साल से पहले माले पे है, एक स्टूडेंट के लिए नीचे नहीं आ सकता। अच्छा। मैंने बोला कुछ नहीं होता, मैं ऊपर रोज जाऊंगा और पढ़ूंगा क्योंकि मुझे अब कोई शॉर्टकट नहीं लेना, इंडिया के बेस्ट कॉलेज में पढ़ना है। तो फिर उन्होंने मेरे को तभी वहीं एडमिशन तो दे दी और 4 दिन मैं असली में लोगों के साथ जाता था जो मेरी व्हील चेयर उठा के पहले माले तक लेके जाते थे। पर 4 दिन में मेरा परसिस्टेंस देख के कॉलेज ने खुद इकोनॉमिक्स क्लासरूम ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया। और उसके अलावा जैसे ही मैं वहाँ पे पढ़ाई में आगे बढ़ते गया मैंने बहुत दोस्त भी बनाए, काफ़ी सोसाइटीज क्लब्स का मैं हिस्सा भी था और मेरे ख्याल से वो कॉलेज जिंदगी में पहली बार दोस्त बनाना मैंने सीखा और मैंने दोस्तों ने मुझे अपनाना भी सीखा उन 3 सालों के अंदर। और इन 3 सालों में मैं कॉलेज का नाम इतना ऊंचा रोशन कर रहा था क्योंकि मैं पूरी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन जीत रहा था हर जगह, कि कॉलेज भी और एक्सेसिबल बनते गया और आज इनफैक्ट कॉलेज बहुत एक्सेसिबल है और बहुत डिसेबल्ड स्टूडेंट हर साल जाते हैं जिनको बहुत एडमिशन मिलती है और बहुत मौका मिलता है। तो मैं कॉलेज का एक तो पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे दरवाजा खोलने के बाद इतने और लोगों के लिए उन्होंने दरवाजा खोला। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 2010 में मैंने एक MA के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया और जब मैं अप्लाई कर रहा था तो बहुत लोग बोल रहे थे कि इसका तो फिजिकली चैलेंज कोटा में हो जाएगा, ये तो डिसेबल्ड है। और मेरे ख्याल से आपने अभी तक मेरी जो कहानी सुनी है आपने सुन ही लिया होगा कि अगर कोई ऐसे मुझे चैलेंज देता है तो मेरे को उनको गलत प्रूव करना बहुत अच्छा लगता है। तो 2 महीने मैंने अपने आप को कमरे में लॉक किया और जब मैं एंट्रेंस का जब रिजल्ट आया मैंने बहुत मेहनत की उन दो महीनों में, तो मेरी 52nd रैंक नेशनली आई थी और जो लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे थे उनसे ज़्यादा रैंक मेरी आई थी, तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था। और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने और ज़्यादा दोस्त बनाए। और सेकेंड ईयर में था मुझे एक और लाइफ में झटका मिला क्योंकि मैं प्लेसमेंट्स के लिए बैठने लग गया काफ़ी कंपनियों में, और जब मैं प्लेसमेंट्स में बैठ रहा था ऐसी बहुत कंपनियाँ थी जो एक डिसेबल्ड इंसान का CV नहीं देखते थे, खाली वो डिसेबल्ड इंसान देखते थे और वहीं उनके लिए वो एप्लीकेशन रुक जाती थी। एक कंपनी ने मेरे को 7 राउंड इंटरव्यू के लिए बैठाया और बाद में रिजेक्ट कर दिया बोल के हमारे पास एक डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट नहीं है और हमें डर है कि आप अंदर घुस जाओगे और फिर हमारे ऊपर कुछ केस करोगे या कुछ भी मतलब, तो हम आपको नहीं कर सकते। एक और कंपनी थी जिन्होंने बोला
हमें नहीं लगता आप 8 घंटों के लिए अपनी व्हीलचेयर में बैठ सकते हो। एक तीसरी थी जिसने बोला कि हमें लगता है सीवी नकली है या आपने कभी किताब नहीं पढ़ी लाइफ में, इतनी ज्यादा डिसेबल्ड इंसान है आगे पहुंच ही नहीं सकता। मतलब उन्हें यकीन नहीं आया। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर सबके पास एक बहाना था, क्योंकि वो एक डिसेबल्ड इंसान को एज एन एसेट नहीं पर एज ए बोझ देखते थे, और जो वो कर सकता है उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे, इंस्टेड जो नहीं कर सकता उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। जो मेरी स्कूल की लाइफ में हुआ था मेरे को शुरू में, वही चीज वापस यहाँ पे हो रही थी। तो मैं कुछ महीनों के लिए तो काफ़ी डिप्रेस था, अपने कमरे में मैंने अपने को लॉक रखा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिंदगी में कैसे आगे बढ़ूँ, क्या आगे करूँ एक्सेट्रा, और मैंने जिंदगी से हार मान ली थी। पर और वैसे ही मैं जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहता था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं आगे जीना भी चाहता हूँ क्या, इतनी ज़्यादा बुरी हालत मेरी हो गई थी। पर उन 2-3 महीनों में मुझे ये भी लगा कि जो मौके मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बनाए हैं और जो मेरे घर वालों ने मुझे जो मौके दिए हैं, इतना ज़्यादा करने के बाद अगर आगे जाके मैं हार मान लूँ तो ये एक मेरे पेरेंट्स के लिए एक इंसल्ट होगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की और मैं ऐसे एक छोटी सी चीज़ के लिए हार मान रहा हूँ। और तभी मैंने फैसला किया कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ और कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ, समाज में भी, इस देश में भी, कानून में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, कि लोग कोई भी अगर इंसान हो जो डिसेबिलिटी के साथ, उसको जो वो कर सकता है उसके लिए देखें और जो नहीं कर सकता उसके लिए ना देखें। तो मैंने 2 चीज़ें की। एक तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर बदलाव लाना है तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बदलाव लाना ज़्यादा आसान होता है जी। मेरे फादर ने 97 में एक कंपनी शुरू की थी, तो मैंने अपने एज अ डायरेक्टर अपने फादर की कंपनी में ज्वाइन किया और उनको सपोर्ट करने लग गया। और दूसरी चीज़ मैंने जो की, मैंने अपनी खुद की एक फाउंडेशन शुरू की जिसका नाम है निपैन फाउंडेशन, जो डिसेबल लोगों के लिए काफी अलग अलग चीजें कर रही है। बिल्कुल, मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली इस पे। फिर मुझे एक शेर याद आ रहा है जो मैं अभी आपको सुनाना चाहूंगी। अभी से पांव के छाले न देख, अभी यारों सफर की इब्तिदा है। इब्तिदा का मतलब है शुरुआत, कि अभी सिर्फ शुरुआत की है हमने, काम करना अभी बहुत बाकी है। तो निपुण, आपने अपने जीवन के सफ़र के कुछ खट्टे मीठे अनुभव जो हमारे साथ शेयर किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बातों का यह सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे और हम चाहेंगे कि आप वापस हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आएं। आज के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ और कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ, समाज में भी, इस देश में भी, कानून में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, कि लोग कोई भी अगर इंसान हो जो डिसेबिलिटी के साथ, उसको जो वो कर सकता है उसके लिए देखें और जो नहीं कर सकता उसके लिए ना देखें। एक युवक और बेपंख उड़ान। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर एरम खान, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, निर्माण एवं निर्देशन वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।